नमस्कार दोस्तों, हमारे अपनी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सभी भारतवासियों के लिए खुशखबरी आ गई है और ये खुशखबरी आई है दोस्तों टोक्यो से। जैसा कि फ्रेंड्स, हम सभी को पीवी सिंधु जी से जो है गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन गोल्ड तो नहीं दोस्तों, लेकिन उन्होंने भारत के लिए जो है कांस्य पदक जीत लिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, जो पीवी सिंधु हैं बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने दोस्तों चीन की खिलाड़ी हैं दोस्तों विंग जियाओ, उसको दोस्तों हरा दिया है। हालांकि तीसरा जो है स्लॉट चल रहा है, लेकिन दोस्तों दोनों स्लॉट में जो है पीवी सिंधु जी ने जो है इस चीन की खिलाड़ी को हरा दिया है। और दोस्तों उन्होंने जो हराया है, देखिए जो पॉइंट थे सिंधु जी के, पहले जो स्लॉट हुआ था उसमें 21 पॉइंट और उस चीन की खिलाड़ी के 13, और दूसरे स्लॉट में दोस्तों सिंधु जी के 21 और उसके 15। अब तीसरा स्लॉट हो रहा है, लेकिन दोस्तों भारत का जो कांस्य पदक है वो सिंधु जी ने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। सिंधु, मैं आपको बता दूं, 2016 के जो ओलंपिक हुए थे रियो वाले, वहाँ पर भी दोस्तों उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और पीवी सिंधु जी ने दोस्तों भारत के लिए जो है कांस्य पदक जीत लिया है, और ये फ्रेंड भारत का जो है तीसरा पदक है। मैं आपको बता दूं, जो है अभी तक भारत का दोस्तों सिल्वर मेडल तो भारत जो है जीत ही चुका है, और दोस्तों कांस्य पदक भी भारत का जो है, जो लवलीना जी हैं उनका पक्का हो गया है। हालांकि दोस्तों वो गोल्ड भी जीत सकती हैं यदि अच्छा परफॉर्मेंस करें तो। और फ्रेंड, ये तीसरा पदक जो है सिंधु जी ने जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, ये सभी हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही अच्छा पल है कि जो है तीसरा पदक सिंधु जी के नेतृत्व में भारत ने ये जीता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था जो मैंने आपको बताया है। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सिंधु जी को दोस्तों दिल से थैंक्स, और हम ये कामना करते हैं कि वो और अच्छे से जो है, जब भी उन्हें मौका मिले, और अच्छे पदक जो है भारत को दिलाएं, और उनकी उम्र दोस्तों लंबी हो, खुश रहें। धन्यवाद।